आज का जो लक्ष्य था क्या वो लक्ष्य पूरा हुआ, और जिन मुद्दों के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे क्या वो मुद्दे सरकार के पास गए? सर स्वागत आपका। आज जो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आज जयंती जो मनाई है वो तीन किसान मोर्चा के पोल के मुताबिक मनाई गई है या एक जो टोल कमेटी है उनके द्वारा मनाई गई है? ये शुभ किसान मोर्चा का वार था। 24 नवंबर को यहाँ तहसील परिसर उच्चारणा के धर्म में सर छोटू राम की जयंती मनाने का था। सर छोटू राम को विषम परिस्थितियों में जबकि अंग्रेजों का राज था देश के अंदर और किसान मजदूर को यदि एक अच्छे कानून लाने का काम किया था, इसलिए बार बार हम किसान मजदूर की उसका प्रधानमंत्री से कि जो किसानों की मांग MSP की तरह वो भी पूरी कर, दूसरा जो बिजली एक पराली मिल जाएगी, इसके साथ साथ जो हमारे 700 किसान शहीद हो गए उनको प्रत्येक शहीद परिवार को और उनके लिए सर्दी स्मारक मेले के अंदर और जो इस प्रकार के हमारे जो मजदूरों के लेबर कोड जो खिलाफ न्याय है सरकार उनको भी निरस्त करने का, ये हमारी मांगे थी। जब लगे हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तो हमारा और जब हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएगी तो किसी को चीज करता है हम प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते कि जल्दी से जल्दी मांगों को पूरा करके हमें वापस कर भी ज्यादा भारी संख्या में अब काम का समय खत्म हो चुका है। किसान नए जोश के साथ नई ताकत के साथ लेके जाने का था, लाखों किसान जाने जाने का था और कल 25 तारीख को यहाँ से पंजाब से एक बहुत बड़ा जत्था यहाँ से निकलेगा जिसका हम यहाँ स्वागत करेंगे और 26 तारीख को हरियाणा से लाखों की संख्या में दिल्ली पहुँचने का था। क्या ये जो किसान है सिर्फ हरियाणा से कुछ करेंगे या बिहार पंजाब हर जगह से? ये पूरे देश के किसान दिल्ली के अंदर इकट्ठा होंगे। मैं कहूँगा कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा किसान 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर अपना प्रदर्शन करेंगे। ये इतना भारी तो भारी तक समर्थन कि 1 करोड़ से भी संख्या ज़्यादा किसान ना बीमारी नहीं पड़ती हमारे साथ दूसरे किसान का भी मौजूद क्या कहना चाहिए कि आज आप जो सरकारी जो प्रांगण है उसके अंदर ये जयंती मनाने का क्यों निश्चय किया आप लोगों ने? देखिए संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था एक चौधरी छोटू राम जी जिनकी 140वीं जयंती आज उचाना परिसर में मनाई जाए क्योंकि लगातार उनके बतावे मार्ग के ऊपर आज हम इस तहसील के अंदर ये बेसिंग सरकार की हो लेकिन हमारी जमीन है और किसान का हक है कि वह अपने हक के लिए कहीं तक भी जा सकता है। बात करते हैं उस प्रधानमंत्री की जिस प्रधानमंत्री ने इस देश को बेच दिया हो, चाहे झाट बेचना का काम किया हो, चाहे जमीन बेचना का काम किया हो, लेकिन उसको याद नहीं है कि आपका टकराव उन किसानों से जो देश के अल पैदा करके पेट भरने का काम करता है, उन सैनिकों से जो देश की रक्षा बड़े रंगों पर करते हैं, आप उनको मिट्टी मिलाना काम करें, ऐसे प्रधानमंत्री को नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देके और इन लोगों के बीच में आ जाना चाहिए। आप लोगों को जो मानते हैं कानून है ये वापसी दिया जाए तो प्रधानमंत्री भी वापस दे रहे हैं तो उसके बारे में इसके अलावा भी और हमारी MSP की बात थी जो C2+15 उसके बदले A2+FL दिया जा रहा है कि ये राज्यों जब तक दूर नहीं करेंगे श्रम कानून है और 700 से ज्यादा किसान जो इसी के कारण हमारे बीच से चले गए उनके मुआवजे की नौकरी की बात है, बिजली बिल है, प्रदूषण की जो दो बात तो इन्होंने शुरू में मानी थी उनको ही आज तक लागू नहीं किया और जो एक काले कानून की जो बात कह रहे हैं लोकसभा में राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति
सेंड करवा के हमने दे तब हमारे को तसल्ली हो गया कि भाई प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 123 सेक्शन के तहत अध्यादेश लिया करके बिना सेशन के और अध्यादेश जोर जबरदस्ती पास करवा था उसी तरीके से लोकसभा में राज्यसभा राष्ट्रपति के सेंड करवा कन्फर्म है बेटा को एमएसपी की जो हम बात करें एमएसपी पे जो इनकम किसान को ना तो उसको खेत में करते ना उसको अपनी तंदूरी में कुछ पैसे आपके पास व्यापार बढ़ेगा वो अपने बच्चों को दूध ले जाएगा बाजार से कपड़े लाएगा बाजार से जाएगा इससे बाजार की मार्केटिंग भी बढ़ेगी और किसान का बच्चा जब पढ़ जाएगा वो देश के लिए काम नहीं करेगा वो भी देश के लिए काम आएगा तो इसको ये सिर्फ एमएसपी देना अकेले किसान की हित में नहीं देश की हित में मानता हूँ ये व्यापार से जुड़ा हूँ मेरा ऐसा मानना है। काफी वीडियो ये भी वायरल हो रही है प्रधान जी की जो ये आंदोलन है ये इस आंदोलन की आड़ में कुछ जो एक दो जो व्यक्ति है एक दो जो किसान है वो अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहिए किसान ही नहीं है हम तो अपने विश्वास से अपनी ताकत से गाजियात को छोड़ पाएंगे क्योंकि हमारा जब तक हम ऐसे कानून नहीं बनेगा जब तक हम अपने दाने नहीं खाएंगे मोर्चा जब तक वहाँ आगे जीतेगा जब तक आगे जिस दिन से ये आंदोलन चला था उसी दिन से यहाँ पर महिला शक्ति भी अपना सहयोग अपना बिल्कुल जो जितना समय दे सकते हैं आंदोलन को उतना समय दे पा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिक्की मौजूद है इनसे भी बातचीत कराएंगे कि क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर जो एक कार्यक्रम था। मैम स्वागत आपका नेशनल न्यूज में। मैम जो महिला है महिला अपने घर के काम काज छोड़ के अपने बच्चों को छोड़कर आंदोलन के अंदर बैठी है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो ये कहना पड़ेगा कि जब हमारी महिलाओं को आपने बताया महिला एक लक्ष्मी माई का रूप ही होती है घर तक रहती है तो वो दुर्गा है घर से बाहर निकले तो वो एक काली माई मानो जब उस पर कोई मजबूरी आती है हमारी जमीन और जमीर की समस्या थी हमारी रोटी और बेटी की लड़ाई थी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई थी और आज़ादी की लड़ाई में हमारा हक बनता था जहाँ हमारे रोटी और बेटी की बात थी तो उसका सबसे ज्यादा असर हमारे चूल्हों पे पड़ रहा था तो इसके लिए हमने एक जो आज़ादी की लड़ाई थी आर्थिक जो लड़ाई थी उस आज़ादी की लड़ाई को हमें लड़ना अपना खुशनसीब हम मानते हैं कि हमने घर के साथ परिवार को भी संभाला बच्चों को भी संभाला खेत को भी संभाला और बॉर्डर और टोलों को भी संभाला और आज़ादी की दूसरी लड़ाई में हम अपनी भागीदारी देश के और जो एक यू ऐतिहासिक आंदोलन है जिसको पूरा भारत पूरा देश देख रहा है उसमें हम अपनी भागीदारी कर पाए हमारी जो रणनीति राजनीति के साथ हमने भी इस राजनीति का एक स्वरूप देखा और एक आंदोलन का प्रारूप देखा क्योंकि अब तक हम सिर्फ घर तक सीमित थे अब हमें मंचों पे बोलना हमारे अधिकार हमारे कानून हमें क्या सही है क्या गलत है समाज कैसा है इन चीजों को हम फेस कर पाए। कल तक महिलाएं होती थी तो घूंघट निकालती थी घूंघट से बाहर आए हम बोलना सीखा और जो खाप पंचायतें महिलाओं को पीछे करती थी आज खाप पंचायतें आगे करती हैं यानी हमें बहू से बेटी बनाने का इस आंदोलन ने दिया है पता नहीं आंदोलन ने मतलब नुकसान हमें पहुंचाया हम मानते हैं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया पर महिला शक्ति को एक आजादी दी है एक आज की आजादी दी है बोलने की आजादी दी है और एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैम मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जो महिला है अभी संयुक्त किसान मोर्चा में आप लोगों ने एक छोटी सी अपील जरूर की है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का आगे सरकार के साथ यदि कोई बातचीत हो या बातचीत होती है तो उसमें महिला भी साथ में होनी चाहिए इसमें क्या कितनी सच्चाई है? इतनी सच्चाई ये है आप एक बात बताओ जिस दिन से आंदोलन चल रहा है हम तन मन धन से हर कदम से कदम मिला रहे हैं अब हमारे लोगों के साथ हम आंदोलन लड़ रहे हैं तो मेरी ही अपील थी ये मेरी निजी राय थी या मेरे दिमाग की सोच थी मैं चाह रही थी जैसे 40 लोग एक मेज के ऊपर जब समाज और एक समाज और सरकार के बीच में जो एक प्लेटफॉर्म का काम करेंगे उस मेज पे जब बातचीत होगी सरकार के साथ तो मैं चाहती हूँ कुछ चुनिंदा महिलाएं उनके साथ हो क्योंकि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है और हम चाहते हैं जब महिलाओं ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है तो उस प्लेटफॉर्म पे या उस मेज पे भी कुछ महिलाओं का नाम इस आंदोलन के साथ आए ताकि ये कह सके हम मेज के ऊपर भी सरकार से लड़े थे मैदान में भी लड़े थे सड़क पे भी लड़े थे टोल पे भी लड़े थे और बॉर्डर पे भी लड़े थे ताकि इतिहास में हमारे जैसे लक्ष्मी बाई का नाम दर्ज है हमारी कुछ महिलाओं का नाम उस
प्लेटफॉर्म पर भी दर्ज हो, जहां हमारी कमेटी सुबह मोर्चे की काम करेगी वहां महिलाएं भी कुछ हो। सिकिम जी, अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि हर बार जैसा देखा जाता है कि जेजेपी और बीजेपी पार्टी के नेता यदि आते हैं उचाना में, नरवाना में, जींद में, तो उन्हीं का ही मतलब बहिष्कार होता है, उन्हीं को ही मतलब आगे दिया जाता है, आड़े हाथ दिया जाता है, मगर जो दूसरे जो किसान जो नेता है उनको नहीं लिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वीरेंद्र है, वीरेंद्र किसी पद में नहीं है, वीरेंद्र की पत्नी किसी पद में नहीं है, बेटा उनका हल्का नहीं। अब यदि वो मियाँ बीबी आए तो उनका एक ग्रह क्षेत्र भी है। अब यदि कहे भी वो डूमर खा रहे हैं तो वहाँ हमारा मतलब उनका हमारे जो डिप्टी सीएम है उनका भी ये कहना है कि जब मेरे को साइन हुए नहीं है, जब हमारे जो सांसद है दविंदर जी, उनके सीने जो है दविंदर जी यहाँ पर आते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या कोई भी छोटा प्रोग्राम करते हैं तो उनको प्रोग्राम नहीं किया जाए। पहली बात तो है जी, विजेंद्र सिंह कभी आया है तो हमें हमारी नॉलेज में नहीं है, यदि नॉलेज में है तो हम उनका बहिष्कार इसी तरह करेंगे जैसे दुष्यंत कर चुके हैं। पर हमारी नज़र में दुष्यंत सबसे ज्यादा गुनहगार है, क्योंकि वोट हमने दुष्यंत को दिए थे, बीजेपी को नहीं। वो बीजेपी की यदि गोद में बैठा तो वो सबसे बड़ा नुकसान जो हमें किया है वो दुष्यंत ने किया है। यदि दुष्यंत चाहे सरकार टूटती कुछ भी होता, यदि वो वापिस आता तो कम से कम सरकार पे दबाव बनता। हमारा एक ही कहना था भाई, आपको हम दोबारा बना देंगे, एक बार आप 10 MLA लेके वापिस चले आइए। यदि वो चला आता तो एक दिन जैसे उसके दादाजी का नाम है उसी का भी नाम होता। पर आज ऐसे हालात हो गए, अब तोड़ तोड़ का चक्कर में अब कुछ नहीं उनका हाथ में। मतलब जो 50 साल की राजनीति हम भी देखा करते, उसके अंदर जो ताऊ देवीलाल देखा करते, आज कुछ नहीं, मतलब वो जीरो पे शुरू हो गया। यदि वो चाहता तो आज वो देवीलाल बनने का मौका था, क्योंकि तो पता है तभी ये कानून तो वापिस होने होने हैं, क्योंकि जन समर्थन ही राजनीति को बनाता है, जन समर्थन ही राजनीति को गिराता है। तो ये चीज शायद दुष्यंत साहब समझ नहीं पाए और यहीं से उसका आगाज हुआ था और यहीं से उसका उदय और अस्त यही जगह है। और हम चाहेंगे जिस हालात से हमें जिताने के लिए हमारा नाम आता है, हम चाहेंगे उसको बिगाड़ने में भी नाम हमारा ही आए, क्योंकि कभी हमने उस बीमारी को पाड़ा है तो उसको काटने में भी हमारा नाम आना चाहिए, क्योंकि वो गलती हमारी थी, क्योंकि हमने देवीलाल लिखा था, वो तो देवीलाल में कुछ भी नहीं है। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या क्या कहना चाहेंगे कि आज जो आप यहाँ पर पहुँचे हो और आज जो किसान आंदोलन की जो जीत हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद भैया, आज सुप्रम मोर्चा के जवान पर आज तो बात करें या फिर अपना चैनल बंद और भाई सभी किसान जो साथी संकित हो गए अपने मोर्चे की बात करें, छोटी जीत के साथ बहुत बड़ी जीत है। एक आज मेरे वही साल आया इस आंदोलन में काम करते थे और जो मैं सीखा है वो किसान मजदूर क्योंकि मुद्दों की बात होने लगी है, छोटे छोटे बच्चे जागरूक होने लगे हैं और एक ऐसा माहौल बन गया कि आगे इनका नजर हमारे साथ कुछ करते हैं सभी पे जहाँ जहाँ भी करते हैं तहसील परिसर या छोटराम छोटराम जी ने किसानों के इतने अनेक उस टाइम पर जब विपरीत फैसले करते उस टाइम पर अनेक फैसले किसानों के इतने लिए थे, किसानों की भलाई के लिए काम किया था, तो इसलिए आज हमने छोटराम जी के उन्होंने काम किया है। और लगातार 26 तारीख को जैसे किसान मोर्चा की तरीका लोग पूरे पंजाब से, पूरे हरियाणा से, पूरे देश से, राजस्थान से, हर जगह। देखिए पिछली बार जितने साथी 26 जनवरी को पहुंचे थे आपकी बार ज्यादा ही साथी वहाँ पहुंचे, आपकी बार हम और जोर से और ज्यादा क्रांतिकारी तरीके से पूरे जोश के साथ में आपकी बार साथी चाहेंगे। प्रधानमंत्री लाइव आकर के मेरे के सामने लाइव आकर के हम लोग अब तक उस पर हमने हमारे इतना है, हमारे और भी कितने जा रहे हैं, एमएसपी की लड़ाई हो चाहे हमारे और स्थानीय मुद्दे हैं चाहे हमारे स्थानीय हरियाणा के अंदर अड़ताली बिजली फटे फटे प्रणाली का कानून है, दोनों के हैं वो भी हमारा साथ में लेकर के चलेंगे। आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे सभी मुद्दों पर बातचीत सरकार के साथ में नहीं होगा, फिर उन सभी मांगों को मान नहीं लिया जाता। हमारे साथ किसान नेता अभी मौजूद थे, महिला किसान भी मौजूद थी, इन्होंने बताया कि आगे जो आने वाली 26 तारीख है 29 तारीख है उस दौरान